Hi everyone, welcome to Rest to IIT. So my dear friends, today I am here to discuss 5 super vast sample pattern problems for your forthcoming JEE Advanced exams. So you can also expect 5 most important questions from determinants. Clear? So my dear friends, this is my Ranker Mathematics. Ranker Mathematics contains 250 video lectures and each lectures consist of 5 questions. Out of 5 questions, you will get some questions from past JEE Advanced and some very good conceptual questions. Clear? So my dear friends, so this is a question जैसा मैंने इस वीडियो में रखा है और भी past JEE Advanced का question discuss करेंगे 2009 में पूछा था. Clear? इस type का questions को आपको अच्छे ढंग से practice करके जाना चाहिए. So my dear friends, if you want to crack JEE Advanced exams with a great confidence, you have to follow me, follow my channel, follow my instructions and practice these problems properly. Then nobody can stop you, nobody can make you fool in the examination hall. Any type of questions you can solve, chutki mein kar sakte ho. So my dear friends, JEE Advanced crack karna hai, to mehnat to karna padega, to mere saath mehnat kijiye. ठीक है, क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लेट के बी पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी का जो डिटरमिनेंट है सो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ के क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से देखो ए जो के है नहीं, इसकी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, तो इसके बारे में क्या सोचना, इसकी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है सो डिटरमिनेंट, इसकी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट सो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 है. जब इसकी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ना 0 होगा, तो इसके बारे में और सोचना नहीं. अभी सपोज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस 1 है. ठीक है, अभी इसका बारे में सोचो. सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए सो दैट इज इक्वल टू एज बार ना, सो दिस इज 2k माइनस 1 टू रूट के एंड सो दिस इज 2 रूट के, सो दिस इज ए क्या है 2 रूट के माइनस 2 रूट के, दिस इज 1, दिस इज 2k एंड हियर सो दिस इज. सो मुझे देखकर पता चल रहा है क्या करना होगा. देखो ये दोनों को ऐड करोगे तुम्हें तो सेम फंक्शन मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट विल गेट, सो दिस इज 2k माइनस 1 इज 0, ए माइनस 2 रूट के है, सो दिस इज 1 प्लस 2k है एंड सो दिस इज 2k 2 रूट के, सो दिस इज 1 प्लस 2k एंड सो दिस इज माइनस 1. मैंने क्या किया, आर 2 इज आर 2 प्लस आर 3 किया, सो दिस इज इक्वल टू इज 1 प्लस 2k का होल स्क्वायर, सो 2k माइनस 1 0 माइनस 2 रूट के है, सो दिस इज 2 रूट के. ठीक है, इसको कॉमन ले लिया, सो दिस इज 1 माइनस 1, दिस इज 2k माइनस 1 एंड सो दिस इज 2 रूट. ठीक है, क्लियर. अभी क्या करोगे, इधर से इसको ब्रेक कर दो, सो आई विल गेट नाउ 1 प्लस 2k का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड सो जब ब्रेक करोगे सो तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो 2k माइनस 1 और ये क्या हुआ, ए माइनस 1 प्लस 2k, ठीक है, ए माइनस 1 प्लस 2k माइनस 1 प्लस 2k. ठीक है, एंड यहीं से ये तो 0 है, यहीं से क्या होगा, सो दिस इज माइनस, ठीक है, माइनस 2 रूट के और ये क्या हुआ, सो दिस इज माइनस 2 रूट के माइनस 2 रूट के, सो दैट इज इज वर. ठीक है, देखो माइनस 2 रूट के, दिस इज ऑल्सो माइनस 2 रूट के, सो दिस इज माइनस 4 रूट के. क्लियर, सो दैट इज इक्वल टू हट विल गेट, सो दिस इज इक्वल टू विल गेट 1 प्लस 2k का होल स्क्वायर और ये क्या होगा 2k, ये भी देखो 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये क्या होगा, सो दिस इज 8k. ठीक है, सो दिस इज 8k, सो दिस इज 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा देखो 4k स्क्वायर माइनस 4k, ये भी 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो दैट इज 2k प्लस 1 होल टू द पावर 4 है. क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, ए था डिटरमिनेंट ऑफ ए. अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट. एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है सो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर ही होगा, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज 2k प्लस 1. यहीं पे क्या है देखो, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, सो दिस इज एन का जगह पे 3 लिखो, सो दैट इज इज व्हाट, सो लाइक दिस. यहीं पे
and oh sorry, this is not a square, so this is like this, a square layer. So this is a 3 hoga. So that is what this is clear, whole of this one, so that is 2k plus 1 whole to the power 6. Now अभी क्या देखो, इसका वैल्यू तो जीरो है, इसका वैल्यू क्या हुआ 2k plus 1 whole to the power 6, so that is what 2k plus 1 whole to the power 6 equal to 10 to the power 6, so this is 2k plus 1, so that is equal to 10 है, so k का वैल्यू क्या होगा 9 by 2 equal to 4.5, तो इसका greatest integral value क्या होगा, so that is equal to 4 है. So my dear friends, ये questions 2009 में पूछा था, आपको इसे पहले समझो, फिर अच्छे ढंग से practice करना. Now we'll solve this question. So my dear friends, ये questions भी देखो इसी टाइप का है. Conceptual questions दे रहे हैं, just apply your patience of mind, nothing else. 2015 में पूछा था, तो यार ये कैसे solve करोगे देखो. Suppose ये जो determinant है, तो यार देखो ये दोनों में सबट्रैक्ट करो, अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा. ये दोनों में सबट्रैक्ट करो, ये भी तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा. सो अब क्या करना है, सो दिस इज, इसको मैं डे लिख रहा हूँ, बाद में इसका साथ इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर देंगे. सो दिस इज 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस 3 अल्फा का होल स्क्वायर. देखो यहीं पे 4 मिलेगा, यहीं पे 1, सो दैट इज 3, और ये अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर तो इनमेट हो गया. यहीं पे 4 अल्फा, यहीं पे 2 अल्फा, सो दैट इज 2 अल्फा. यहीं पे अल्फा स्क्वायर तो इनमेट हो गया. इस पे क्या है 9, इस पे 2, सो दैट इज 4, सो दैट इज 5. इस पे 6 अल्फा, इसको 2 अल्फा, 4 अल्फा, सो दैट इज 2 अल्फा. अभी ये दोनों में क्या होगा 4 माइनस 1, सो दैट इज 3, एंड यहीं पे क्या है देखो 8 अल्फा 4 अल्फा, सो दैट इज 4 अल्फा. ठीक है, यहीं पे क्या होगा 9 है. ठीक है, सो दिस इज 9 माइनस 4, सो दैट इज 5 है. ठीक है, यहीं पे क्या हो रहा है देखो, दिस इज 6 अल्फा, दिस इज 8, सॉरी दिस इज 12 अल्फा एंड दिस इज व्हाट 8 अल्फा. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज 3 प्लस 2 अल्फा, सो दैट इज व्हाट इट विल गेट, सो दिस इज 4 अल्फा. ठीक है, एंड हियर इज ऑल्सो देखो, ये 3 अल्फा तो कैंसिल हो, ये तो कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 4 माइनस 1, दैट इज 3, ये कितना 12 अल्फा, ये कितना 6 अल्फा, सो दैट इज 6 अल्फा. ठीक है, ये कितना होगा 9 माइनस 4, सो दैट इज 5 है. ठीक है, ये क्या होगा 18 अल्फा एंड सो दैट इज 6 अल्फा. ठीक है, अभी मैंने यहीं पे क्या किया ना, सो दिस इज आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री इज आर थ्री माइनस आर, ये ऑपरेशन अप्लाई किया. ठीक है, तो यार अभी यहीं पे तो कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, सो माय डियर फ्रेंड्स क्या करोगे, इन दोनों में सबट्रैक्ट कर दो. ठीक है, सो दिस इज, इन दोनों में जब सबट्रैक्ट करोगे देन इज इक्वल टू, सो दिस इज फर्स्ट रो को छेड़ना नहीं, सो दिस इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, 1 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर एंड सो दिस इज 3 प्लस 2 अल्फा, सो दिस इज 3 प्लस 4 अल्फा एंड सो दिस इज 3 प्लस 6 अल्फा. ये दोनों जब सबट्रैक्ट करोगे ये क्या देगा, ये तो 2 देगा, ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा. क्या किया ना, आर 3 इज आर 3 माइनस आर 2 है. ठीक है, अभी क्या करोगे, ये 2 को यहीं पे कॉमन है, सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1. अभी ए रो को फिक्स्ड करो, फिक्स करने का मतलब है इसको लिख लो, सो दिस इज 3 प्लस 2 अल्फा 1 है. अभी ये दोनों में सबट्रैक्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट, ये क्या होगा देखो, 1 1 तो कैंसिल हो गया, ये अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा का स्क्वायर, सो 3 अल्फा का स्क्वायर. ये क्या है 4 अल्फा, ये 2 अल्फा, सो दिस इज 2 अल्फा. ये क्या है, जब सब 3 3 कैंसिल, सो दिस इज 2 अल्फा, सो दिस इज 0 है. ये क्या होगा 9 अल्फा स्क्वायर, सो दिस इज 8 अल्फा स्क्वायर. और क्या होगा 1 1 तो कैंसिल है, ये 6 अल्फा प्लस 2 अल्फा, सो दिस इज 4 अल्फा. ये क्या होगा, सो दिस इज 4 अल्फा, दिस इज 0. ठीक है, ये ऑपरेशन किया ना, सी टू इज सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री इज सी थ्री माइनस सी वन, नथिंग एल्स. ठीक है, अभी क्या करना है देखो, सो दिस इज, अभी आप क्या करोगे,
अभी पॉलिक ऑपरेशन मैंने एक साथ लिख दे रहा हूँ देखो। सो इसको थ्री से यहीं से कोई इसको लिखने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज अभी क्या है देखो, ए क्या थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा, दिस इज टू अल्फा, एट अल्फा स्क्वायर प्लस फोर अल्फा, दिस इज फोर अल्फा। अभी इसको सेपरेट कर दो, सो थ्री अल्फा स्क्वायर टू अल्फा, इसको एट अल्फा स्क्वायर फोर अल्फा, ठीक है। सो मैंने क्या किया ना, आर वन इज आर वन माइनस आर टू एट किया, सो दैट इज इट। तो ऑब्वियस लग रहा है अभी अभी ए क्या होगा देखो, तीन चार ट्वेल्व अल्फा क्यूब एंड सिक्सटीन अल्फा क्यूब, सो टू इंटू ऑफ ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन, सो दैट इज माइनस फोर अल्फा क्यूब, सो माइनस एट अल्फा क्यूब, ठीक है। अभी इसका काम है क्लियर, इसका साथ कंपेयर करना है। सो दिस इज डेल का वैल्यू एक्चुअली क्या हुआ देखो ना, डेल का वैल्यू सो दैट इज माइनस एट अल्फा क्यूब, सो दिस इज माइनस एट अल्फा क्यूब इक्वल टू सिक्स फोर एट अल्फा, ठीक है। सो दैट इज वर्ड माइनस माइनस को प्लस हो गया, अल्फा कॉमन ले लो एट, सो दिस इज ए इसका साथ कैंसिल हो रहा है देखो, सो दिस इज एटी वन, ठीक है। अल्फा क्यूब इक्वल टू एटी वन अल्फा, सो दिस इज अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर माइनस एटी वन इक्वल टू जीरो है, सो अल्फा का वैल्यू जीरो एंड प्लस माइनस नाइन है, क्लियर। सो माई डियर फ्रेंड्स, ये मोर देन वन ऑप्शन के लिए ये क्वेश्चन आया था, सो दिस इज वर नाइन एंड माइनस नाइन है, क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन को पहले समझो, फिर अच्छा से प्रैक्टिस करना। Now we'll discuss, so this is the adjoint of a matrix P of order 3 is this, then the possible values of this, possible values of this का क्या मतलब होगा, so my dear friends ये तो obvious है, clear, ये adjoint of P given है, so this is adjoint of P, so that is equal to this 144217113, so अभी इसका determinant क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ पी का डिटरमिनेंट, सो दैट इज व्हाट 144217, सो दैट इज व्हाट 113 है, इसका वैल्यू को फाइंड कर लो, 3 माइनस 7 माइनस 4 है, दिस इज 6, दिस इज 6 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 4 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, ठीक है। सो दिस इज 2 माइनस 1 इज 1, सो दैट इज इक्वल टू 1। एडजॉइंट ऑफ पी का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर इक्वल टू 1, सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ पी इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस टू ऑप्शंस आर राइट, ये 2012 जेईई एडवांस सेक्शन में पूछा गया था। नाउ वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, सो माय डियर फ्रेंड्स ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अभी क्वेश्चंस फोर 2012 में ये क्वेश्चंस पूछा था। देखो यहीं पे क्या बोल रहा है, जो पी बी ए मैट्रिक्स ए गिवन है, सो दिस इज सपोज ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए गिवन है, क्लियर। अभी क्या बोल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ पी इज टू है एंड बी आई जे, सो दिस इज क्यू मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स क्या होगा, सो दिस इज क्यू मैट्रिक्स इक्वल टू बी आई जे थ्री क्रॉस थ्री वायर बी आई जे इज इक्वल टू दिस, जब यहीं पे ए वन है ए टू टू दी पर टू से मल्टीप्लाई किया, ए टू टू दी पर थ्री से मल्टीप्लाई किया, ए टू टू दी पर फोर से मल्टीप्लाई किया, टू टू दी पर थ्री ए टू वन, ए टू टू दी पर फोर ए थ्री वन, ए टू टू दी पर फोर ए टू टू, ए टू टू दी पर फाइव ए थ्री टू, ए टू टू दी पर फाइव ए टू थ्री, ए टू टू दी पर सिक्स ए थ्री थ्री, इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स आपको देखना है, देखो यहीं से टू स्क्वायर कॉमन जा रहा है, यहीं से टू क्यूब कॉमन ले लो, यहीं से टू टू दी पर फोर कॉमन ले लो, सो आई विल गेट यहीं से टू स्क्वायर कॉमन ले लो टू स्क्वायर, सो दिस इज इधर से टू क्यूब इस चार के साथ, सो दैट इज टू टू दी पर नाइन, ए वन ए वन टू एंड सो दिस इज स्क्वायर ए वन थ्री है, तो टू स्क्वायर कॉमन हो गए तो यहीं पे टू बचेगा, यहीं से क्लियर टू स्क्वायर, सो दिस इज ए थ्री वन, ठीक है। यहीं से क्या कॉमन लिया, टू क्यूब कॉमन लिया, टू बचेगा टू टू एंड सो दिस इज टू टू दी पर, यहीं पे टू क्यूब कॉमन लिया, सो दिस इज ए टू थ्री है, यहीं से टू फोर, ठीक है, सो दिस इज टू स्क्वायर
जब हम लोग a32 a v2 square a33 है। अभी क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज, अभी क्या करोगे आप, अभी भी तो कॉमन जा रहा है। सो दिस इज, यही से 2 square, यही से 2 cube, यही से 2 4, सो दिस इज a2 होगा। सो दैट इज व्हाट, 2 to the power 10, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज सॉरी 2 to the power 12, यही से 2 कॉमन आ रहे हैं, यही से 2 स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33 है। सो दिस इज व्हाट, 2 to the power 12 एंड 2p है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ q इक्वल टू 2 to the power, ठीक। सो दिस इज 2 to the power 12 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ p है, अभी डिटरमिनेंट ऑफ p इज 2 है, सो दिस इज 2 to the power 13 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज द राइट वन। नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, से 2004 में आया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई में, क्लियर। सो बट ऐसा जेई एडवांस में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट रहेगा। सो क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी आपको याद रखना है, 40 20 20 20, 40% ईजी है, 20% मेडिकल, अनदर 20% डिफिकल्ट, एंड लास्ट 20% इज टू डिफिकल्ट फॉर टॉप 200 रैंकर्स के लिए, क्लियर। सो माई डियर फ्रेंड्स, जो ईजी पार्ट है, 40% जो ईजी आता है उस पर आता है। सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू 125, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब, सो दिस इज 125, सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो दैट इज इक्वल टू 5 है। अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, सो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3 है। सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज द राइट वन, क्लियर। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू क्रैक जेई एडवांस एग्जाम्स विद द ग्रेट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू फॉलो मी, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, फॉलो माई चैनल, एज वेल एज प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स प्रॉपरली। सो माई डियर फ्रेंड्स, देन यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर फॉर्चून्स, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स एंड फॉलो माई रैंकर्स मैथ्स, which consists of 250 video lectures and contains 1200 more than 1200 questions. So my dear friends, मुझे जो लगता है इतना questions करने के बाद आपका अंदर confidence built हो जाएगा, उसके बाद कोई भी questions आपको पूछा जाए आप चुटके में ही सॉल्व कर दोगे। मैं चाहता हूँ ये कॉन्फिडेंस आपका अंदर भर जाए। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स, एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बेस्ट टू माई टीम। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स द राइट।